नमस्कार व्यूअर्स, सुष्मिता क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं और सेफ। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये है नूडल्स के पकौड़े। नूडल्स जैसे घर में हम लाते हैं, रखा होता है नूडल्स, नूडल्स के पकौड़े। इसके लिए हमें क्या चाहिए? नूडल्स चाहिए, और नूडल्स को हमें बॉयल नहीं करना है। नूडल्स को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, फिर नमक डाल के पानी गर्म करके वो उसको कटोरी में नूडल्स के ऊपर डालेंगे। इंस्टेड ऑफ नूडल को पानी में डालने के बदले हम पानी को नूडल्स में डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसमें से पानी निकाल के उसको स्ट्रेन करके हम नूडल्स को ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? अगर हमारे पास घर में मैगी मसाला है या कोई शेजवान का कोई मसाला है, वो आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए वो मसाला इसके साथ आप मिला दीजिए। थोड़ा सा नींबू निचोड़ के फ्यू ड्रॉप्स नींबू के इसमें डाल के एक ऐसा बना लेना है आपको। अब क्या करना है आपको? दो अंडे, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। दो एग्स जो है उनको आप अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसमें प्याज, अनियन के पीसेस स्लाइड एकदम फाइनली चॉप्ड पीसेस, धनिया कोरिएंडर लीव्स के फाइनली चॉप्ड पीसेस, और ग्रीन चिली के हरी मिर्च के फाइनली चॉप्ड पीसेस करके इसको खूब अच्छी तरह से, ये जैसे ऑमलेट बनता है वैसे हम एक इसका बैटर को बना देंगे। बैटर समझिए, ये बना देंगे एग का। अब हमें क्या करना है? तो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या लगे? इसमें प्याज लगा, ये इसके मैगी मसाला लगा, और व्हाइट ऑयल आपको पता ही। अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। हम इसमें से अपने अपने इस मैगी के जो हमारा नूडल्स का जो है, नूडल्स का जो हमारा लंप है, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स लेंगे और इसको इस एग के इसमें डिप करेंगे बैटर में। एग और प्याज और धनिया पत्ती जो हरी मिर्च लगी हुई जो बैटर है उसमें ड्रॉप कर डिप करके फिर इसमें हम ऑयल में हम छोड़ देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करके रखा है कि आपको दिखाने में इजी होगा, और ऐसे छोटे छोटे पकौड़े बन जाएंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नहीं तो हम एक सा खा के बच्चे भी थक जाते हैं, हम भी बोर हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे करने के लिए मैंने एक उपाय दिया है आपको। अब आप बताइएगा कैसा लगा आपको, और जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए मैंने थोड़े से पहले से ही तल के रखे थे और नूडल्स के पकोड़े, इसको मैंने पहले से बना के रखा था। आशा करती हूँ आपको खा के अच्छा लगेगा, बना के भी खुशी होगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।